जहर ला के दे दे मुझे थोड़ा सा, ताकि एक ही बार में तुम सबको छुट्टी मिल जाए। मुझे कम से कम मरने के बाद तो खुशी मिलेगी। तो ये बहुत खुश है रही थी वो दिन जब मिश्री को जा घर में लाते समय, और अब खाने की मेज पे भी मेरे साथ खाना खिलाएगी। भाव है ना वो तेरी, और मैं कहा हूं, मैं तो तेरी सास हूं ना बापू का। पार्वती जय मत भूल कि आज भी जा घर की सबसे बड़ी मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना कछु ना हो सकता है। और रही बात मिश्री की, तू अगर बा को जा घर में ले आई है, वो आ तो गई है पर ज्यादा दिन टिक ना पाएगी, समझी। मैं बा को कोई भी कीमत पे जा परिवार का हिस्सा ना बनने दूंगी। कहीं ना जाएगी तू, यहाँ मुफ्त की रोटियां ना मिलेंगी। जा घर में रहना है तो पहले घर के काम पूरे करने होंगे। ना जे मांग करने का अधिकार जे घर की बहू रानी को है, नौकरानी को ना। चल पहले सारे काम पूरे कर, फिर जहां जाना है चली जाना। स्टोर रूम की सफाई करनी है, चल। अरे क्या हुआ, जा घर की बहू बनना चाहती है ना तू, तो बहू के लिए इम्तहान देना होगा, वो भी बहुत कड़ा, समझी। वरना अपना बोरिया बिस्तरा समेट और अपनी दादी के साथ निकल जा अपने घर। क्या हुआ, सारे काम कर, स्टोर रूम की सफाई करनी है, दिवाली आ रहे हो, मायके में सिखाया होगा ना कि कब साफ सफाई की जाती है। तो चल चल पहले सारी सफाई कर, जाना जहां जाना है। तो किसी को बुरा नहीं करते ना राना जी, उनके साथ भी बुरा नहीं करते।